तो गाइस आपको बताते हैं आज चैन कैसे फिट होती है। तो अभी नया एटलर ख़राब हो गया था हमारा, तो एटलर जहाँ से क्रैक हो गया था, टूट गया था, बीच वाला हिस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बुश वाला हिस्सा। तो अभी इसका जो चिमटा खोलना पड़ेगा, नया एटलर आया था उसमें लगाना है। तो भाइयों आपको बताते हैं बॉगलैंड की चैन कैसे फिट करते हैं। तो हमारा एटलर ख़राब हो गया था, तो एटलर भी नया आया अभी, तो ये बिल्कुल एटलर ख़त्म हो गया था, तो कल रात नया एटलर आया है। अब ये वाला एटलर आया नया वाला, इसको फिट करेंगे, उसके बाद फिर चैन भी फिटिंग करेंगे, वो भी बताते हैं। तो अभी एटलर आया था उसके साथ ये वाला चिमटा नहीं आया था, इसको फिर अभी खोला है, तो इसको उसमें नए वाले एटलर में फिट करते हैं, उसके बाद फिर एटलर को चेसी में फिट करते हैं, उसके बाद फिर चैन फिट करते हैं। तो जी अपने रिंकू भाई, जो अपने शगन भाई, जो अपने उस्ताद जी, जो अपना कपिल। तो भाई इसको भी फिट कर रहे हैं नए वाले एटलर में। बस बहुत अच्छी फिट कर दिया था इसका जो साथ वाला चिमटा था पीछे वाला, तो अभी एटलर को इसमें फिट कर देते हैं जैसी में, उसके बाद फिर चैन फिट करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जाके जाने दो, बस बस पत्थर बीड़ी भी पीना। चल 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 रोड जोर ला लो पूरा, रोड खड़ी कर दो, बस खड़ी कर दो रोड, फिर आप जाना अंदर। तो भाइयों चैन हमारी चढ़ चुकी है, सिर्फ हमने पिन डालनी है, पिन डालनी भी आपको बता देते हैं कैसे पिन डालते हैं। तो बाकी काम सारा कर दिया है, बस अब पिन डालनी है, तो अभी डालते हैं पिन।
तो भाइयों चैन हमारी पूरी फिट हो गई है, बस अभी हमने इसको टाइट करना है। तो अभी अडैप्टर लगाते हैं और इसको ग्रीस करके टाइट कर देते हैं। बाकी पिन वगैरह सारी डाल दी हमने। तो दोस्तों चैन पूरी फिट हो गई हमारी, टाइट भी कर दी है ग्रीस करके। तो आज की जानकारी अगर बढ़िया लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे ही मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। तो जब तक के लिए सारे भाइयों को सत श्री अकाल, बाय।